हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैं अपने पहले ही वीडियो, हम लोग चैप्टर 3 कर रहे थे, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आज करा रही हूँ आपको, जिसके अंदर हमें रेशियोज को कंपेयर करना है, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकन्सिस्टेंट। सेम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरह ही होगा। सेकेंड के अंदर हमें सॉल्यूशंस बताने थे, इधर हमें कंसिस्टेंट और इनकन्सिस्टेंट बताना है। जैसे कि फर्स्ट है 3x+2y = 5 एंड 2x-3y = 7। सबसे पहले हम इक्वल टू की जीरो के फॉर्म में रखेंगे, 3x+2y - 5 = 0 एंड 2x-3y - 7 = 0। तो ये a1 x का कोफिशियंट, ये b1, ये c1, a2, b2 एंड c2। तो हमने a1/a2 निकालेंगे तो 3/2 आ गया, b1/b2 2/-3 एंड c1/c2 इज -5/-7। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हम देख रहे हैं 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/-3। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये यूनिक सॉल्यूशन हुआ, लेकिन हमें यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो इट इज अ कंसिस्टेंट, ये इसका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इसी का सेकेंड पार्ट, जिसके अंदर ये कह रहा है कि 2x-3y = 8 एंड 4x-6y = 9। 2x-3y = 8 एंड 4x-, सेम सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। हम पहले इक्वल टू की जीरो के फॉर्म में रखेंगे, 2x-3y - 8 = 0, 4x-6y - 9 = 0। अब रेशियोज को कंपेयर करेंगे, a1/a2, ये a1, b1 एंड c1। a1 इज x का कोफिशियंट, b1 c1, सिमिलरली a2, b2 एंड c2। तो 2/4 आ गया, b1/b2 -3/-6 कट गया, 3 1 3 2 6, यहाँ पे भी कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ गया। एंड c1/c2 करेंगे तो -8/-9, तो 8/9 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं 1/2 = 1/2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 8/9। तो a1/a2 = b1/b2 बट इट्स नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इट इज़ इनकन्सिस्टेंट लिख देंगे हम लोग। वैसे ये नो सॉल्यूशन होता है बट ये इनकन्सिस्टेंट पूछा है तो इनकन्सिस्टेंट आ जाएगा। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट के अंदर फ्रैक्शन में दे रखी है 3/2x+5/3y + 7 = 7 एंड नेक्स्ट इज 9x-10y = 14। इक्वल टू है अपॉन = 0 के फॉर्म में लिखेंगे पहले। कुछ जो टीचर्स होती हैं वो इसी फॉर्म में रहन देती है, इसी को c1 और इसी को c2 लिखवा देती हैं, बट वो भी ठीक है क्योंकि हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर = 0 की फॉर्म में होना चाहिए। अब हमें इस फ्रैक्शन को नॉर्मल ऐसी इक्वेशन में करने की जरूरत नहीं है, हम कंपेयर कर रहे हैं रेशियो a1/a2। तो 3/2/9 जो कि हमारा ये है, तो 3/2 इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 1/9, 3 से 3 कट गया, 3/2 आ गया, यानी a1/a2 कितना आया, 3/2। b1/b2 भी सही से 5/3/-10, तो 5/3 ऐसे इसका रेसिप्रोकल 5 2 10 -1/6। वैसे तो हमें c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें दिख ही रहा है कि दोनों नॉट इक्वल है, लेकिन फिर भी हमें निकाल के आपको दिखा देती हूँ। ये तो सिंपल है, 7 7 7 2 14, 1/2। जब फर्स्ट टू ही अनइक्वल आ जाती है तो हमें थर्ड वाले को छेड़ने की जरूरत नहीं होती है। इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी ये भी क्या हुआ, कंसिस्टेंट, क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट, (5x-3y = 11) एंड -10x+6y = -22। अब इसके अंदर हम पहले इक्वल टू की जीरो के फॉर्म में लिखेंगे, 5x-3y - 11 = 0, -10x+6y + 22 = 0। ये a1 b1 c1, a2 b2 एंड c2। तो कंपेयर करेंगे, a1/a2 5/-10 -1/2 आ गया,
बी वन बाई बी टू माइनस थ्री बाय सिक्स, तो माइनस वन बाय टू आ जाएगा, ये कट जाएगा। सी वन बाय सी टू बाई ट्वेंटी टू, ये भी कट गया, माइनस वन बाय टू आया। यानी माइनस वन बाय टू इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू। यानी ए वन बाय ए टू इज इक्वल्स टू बी वन बाय बी टू इज इक्वल सी वन बाय सी टू। तो अब आप बताइए क्या होगा इनका, इसका भी क्या होगा, कंसिस्टेंट, क्योंकि ये मैनी सॉल्यूशन है। नेक्स्ट फिफ्थ वाले भी क्या कह रहे हैं, फोर बाय थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू एट, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू ट्वेल्व। हमें इक्वल टू जीरो की फॉर्म में लिख लेंगे, माइनस एट इज इक्वल्स टू जीरो एंड टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू जीरो। ये ए वन, ये बी वन, ये सी वन एंड दिस इज ए टू बी टू एंड सी टू। अब रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो फोर बाय थ्री अपॉन में टू, बी वन बाय बी टू, टू अपॉन में थ्री, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, फोर बाय थ्री इंटू में वन बाय टू, ये कट गया, ये भी कितना आ गया, टू बाय थ्री। ये तो इसको सॉल्व हो ही नहीं सकता। देन सी वन बाय सी टू माइनस एट बाय ट्वेल्व, फोर टू ज़ा एट, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, ये भी माइनस का है, माइनस से माइनस कट गया, टू बाय थ्री। हम देख रहे हैं सभी टर्म्स हमारी टू बाय थ्री आ गई हैं। तो ए वन बाय ए टू इज इक्वल्स टू बी वन बाय बी टू इज इक्वल्स सी वन बाय सी टू। तो ये मैनी सॉल्यूशन हुआ, जैसा कि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में भी था। तो ये भी क्या हो गया हमारा, कंसिस्टेंट। मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है और नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होता है।